For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. अब तो बात ऐसी हो गई है कि इस बार के बिग बॉस में सिर्फ लड़के ही नहीं लड़कियां भी फिजिकल होने लग गई हैं और एक दूसरे के पैर छू रही हैं. जी हाँ, वेल माहिरा और रश्मि की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है इस सीज़न में और जब जब हम देखते हैं ये दोनों लड़ते हैं कुछ ना कुछ एपिक मोमेंट बनकर निकल कर आता है, जैसे रश्मि आंटी या फिर माहिरा से रिलेटेड उनकी डॉल बनाना, तमाम चीज़ें. अब हाल ही में एक स्नीक पीक में हम देखते हैं कि माहिरा और रश्मि की लड़ाई होती है. लड़ाई वैसे आसिम और सिद्धार्थ की हो रही होती है, उसमें रश्मि कुछ कह देती है अननेसेसरी जो वो हर बार कहती हैं सिद्धार्थ को लेकर, और ऐसे में माहिरा जो है वो कुछ कहती हैं फिर जो कि रश्मि से नहीं वो इन जनरल कह रही होती हैं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन रश्मि देसाई कूद जाती हैं उस कॉन्वर्सेशन में और फिर माहिरा को भला बुरा कहने लगती हैं. अब ऐसे में माहिरा जो है वो अपने आप को डिफेंड करती हैं तो रश्मि देसाई जाकर माहिरा के चरणों में गिर जाती हैं. कैन यू बिलीव दैट, मतलब लिटरली उनके पैरों को छू लेती हैं और उनके चरणों में जाकर गिर जाती हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं उन्हें. और ऐसे में माहिरा जो है वो कहती हैं, रश्मि कहती हैं, तुम्हारी तरह ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर बदतमीजी करना मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, और माहिरा कहती हैं कि तुम्हारी तरह यानी कि आपकी तरह मेरी भी कैपेबिलिटी नहीं है कम आवाज़ में धीरे रहकर भी तेज़ कटाक्ष और घटिया बातें करना. अब ये तो इन दोनों की कैट फाइट चालू हो गई है, लेकिन आपका क्या कहना है इस चीज़ पर ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.